हाय, लेट्स प्ले अ गेम। मैं आप लोगों को कुछ हिंट्स दूंगी और आपको गेस करना होगा कि मेरा प्रोफेशन क्या है। एक रूम है जिसमें एक औरत चिल्ला रही है, ओ गॉड प्लीज गेट इट आउट ऑफ मी, और उसका नर्वस हस्बैंड कह रहा है बेबी बेबी जस्ट लेट गो, जस्ट ब्रीथ ब्रीथ। और कुछ देर बाद औरत का चिल्लाना बंद और एक बच्चे का रोना शुरू। गेस करो, कम ऑन, व्हाट? एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट अ नर्स, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर परिणीति ठाकुर। वेल, ऐसे सीन मैं दिन में 8 बार देखती हूं, दैट्स माय लाइफ। और मैं दिन में इतने बच्चे पैदा करवाती हूं, कैसा लगता है? दैट्स माय जॉब एंड आई लव इट। वेल, आज मैं इसलिए इतनी एक्साइटेड हूं क्योंकि शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में मेरा इंटरव्यू था, अ जॉब ऑफ हेड ऑफ मेडिसिन। वेल, इंटरव्यू वाज फाइन बट द इंटरव्यूअर वाज यक, सम तरुण सरन गाय, आई मीन व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ, एकदम खड़ूस था, ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे जैसे हम सब पर कोई एहसान कर रहा हो। एंड ही वाज टेलिंग मी दैट मैं इस हॉस्पिटल को, आई मीन उसके हॉस्पिटल को वक्त नहीं दे पाऊंगी, एंड द जॉब इज टू डिमांडिंग। मैंने उसे याद दिला दिया, हेलो मिस्टर, 4,000 डिलीवरीज मैंने की है 2 साल में, घर बैठकर नहीं की है। एंड ही वाज क्वाइट, ही हैड नो आंसर। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई गॉट द जॉब। पर पता है उस सरीन की बहन, व्हाट वाज शी डूइंग? ऑफिस में आके हम दोनों को कह रही थी कि अब हम दोनों को ऑफिस में ज्यादा टाइम स्पेंड करने मिलेगा। एंड शी मैड, पागल हो गई है क्या वो? डजंट शी नो मी, आई एम अ थॉरो प्रोफेशनल, और इस काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फ्लफी लव स्टोरी से ज्यादा है। शी इज मैड। एनीवेज, फॉरगेट इट, डिड आई जस्ट टेल यू आई गॉट द जॉब? यस। एंड व्हाट, आई एम एक्साइटेड, आई एम सुपर एक्साइटेड। एंड इस दुनिया में जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरी बहन और मेरे बलराज जी जो, वो दोनों मेरी सेलिब्रेशंस में आए, ऑल द वे फ्रॉम रतलाम, दे आर टू गुड। आज मैं जो कुछ भी हूं ना, मैं अपनी शीतल दी और अपने बलराज जी जो की वजह से हूं। अगर वो दोनों नहीं होते तो शायद मैं रतलाम में ही घुट घुट के मर जाती। खैर, वो दोनों आए और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। शीतल दी एज यूजुअल कंप्लेन कर रही थी कि मैं उनसे मिलने रतलाम नहीं जाती हूँ। शी इज राइट। पता है, मैंने उनके बच्चों को सिर्फ स्काइप और फेसबुक पर ही बढ़ते हुए देखा है, पर आई प्रॉमिस देम कि मैं जल्द से जल्द उनसे मिलने रतलाम आऊंगी। एक्सक्यूज मी, हेलो, व्हाट आर यू मैड, ये क्या कह रहे हो आप? व्हाट नॉनसेंस इज दिस? देखो, एक्सीडेंट होता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन जरूरी नहीं है कि जानलेवा होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैंने शीतल दी और बलराज जी से कहा था कि रात में ट्रैवल ना करें, उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। God, you can't be this unfair.